कि हमारा सक्सेस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी है और हम देश विदेश में वेडिंग्स करते हैं। सो ग्रेट इंडियन वेडिंग अवार्ड्स जो हर साल होते हैं, ग्रेट इंडियन वेडिंग अवार्ड्स, उसमें हमको बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग का अवार्ड, वी बीन अवार्डेड विद दैट। एंड हम लोग वेडिंग प्लानर्स हैं बाय प्रोफेशन और देश विदेश में हम वेडिंग्स करते हैं। जितने भी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर आवर क्लाइंट्स। एंड हमने एक बहुत बेहतरीन शादी की थी विच वॉज इन जोधपुर एंड दैट हैज़ बीन अवार्डेड एज द बेस्ट वेडिंग ऑफ द ईयर। सो दिस इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग जो इंटरनेशनल वेडिंग कन्वेंशन जो है, वेडिंग की फ्रटर्निटी है, दिस इज़ नोन एज ICWF, उन्होंने हमें ग्रेट इंडियन वेडिंग अवार्ड से सम्मानित किया। स्पेशली सिंगर्स जिनकी बहुत ज़्यादा हमारे हमारे क्लाइंट्स के बीच में उनका टैलेंट बहुत अप्रिशिएट होता है। सो टू नेम अ फ्यू, सोनू निगम, वी वर्क विद शंकर महादेवन, देन वी वर्क विद अरिजीत सिंह और इस तरह के बहुत सिंगर्स, कुछ सेलिब्रिटीज़, ये सब हमारे मेन लोग हैं। फॉर अस, जब हम किसी की वेडिंग करते हैं तो हम ये सोच के नहीं करते कि इस वेडिंग में हम ये अवार्ड जीतेंगे या हम क्या जीतने वाले हैं। जो मैटर करता है वो ये होता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी वेडिंग ऐसी हो जो वो हमेशा याद रखे, और जब भी वो उस वेडिंग को याद रखे वो हमें याद रखे एज अ टीम, कि किस टीम ने उनका काम किया था और कैसे उन्होंने अपनी इतनी लगन के साथ उनकी वेडिंग को एक सक्सेसफुल वेडिंग बनाया। इस वेडिंग पे हमने अराउंड 6 मंथ्स तक काम किया है। जनवरी में ये वेडिंग थी जोधपुर में और हमने ऑलमोस्ट जून से अपना काम शुरू कर दिया। अवार्ड्स तो सबके लिए ही खास होते हैं। आपको आई एम श्योर आप समझते हैं कि अवार्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और वो आप सम्मानित हों, आप जाने जाएँ उस काम के लिए, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। एक सवाल और पूछ, वन सेकंड बाबा, एक सेटअप ऐसे रहते हैं। एक सवाल और, आपके हिसाब से एक वेडिंग सक्सेसफुल होने के लिए व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सक्सेस ऑफ अ वेडिंग इज आई फील वी हैव टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ द फैमिली। जब हम उनकी फैमिली का एक पार्ट होंगे, हम उनके एक एक की चीज़ को समझेंगे, उनके हर इमोशन को अपने इमोशंस में उतारेंगे, तभी हम उनकी विजन को रियलिटी में क्रिएट कर सकते हैं। सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट जब शादी हो गई थी, रिसेप्शन के बाद ब्राइड के फादर ने, दे डिड द फर्स्ट डांस टुगेदर शादी होने के बाद, केक कटिंग के बाद, एंड देन ही हैड टीयर्स इन हिज आईज ऑन द एंटायर पोडियम। ही अनाउंस दैट वी आर द पीपल विच इज़ वाई देयर एंटायर ड्रीम केम ट्रू। उनको इतने अप्रिसिएशन मिले, इनफैक्ट उनके लिए भी बहुत इमोशनल मोमेंट था और सो वॉज इट फॉर अस। सो जब हमारे 6 महीने की मेहनत और उनके ड्रीम्स सच होते हमें नज़र आते हैं, तो वो मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। Thank you.